तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, सेफ होंगे अपने घरों पे। तो गाइज लेके आ गया हूं मैं एक और बहुत ही मजेदार वीडियो। एंड गाइज आज का जो वीडियो होने वाला वो होने वाला है बीवी ऑक्टेव 3, जो कि अभी बीवी की तरफ से नया लॉन्च किया हुआ स्पीकर है। एंड गाइज ये स्पीकर जो इतना तगड़ा है, 360 डिग्री इसमें साउंड है, स्टीरियो साउंड है, एंड उसके साथ साथ इसका प्राइस रेंज भी बहुत ही कम है, मेड इन इंडिया, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ा। लेकिन गाइज ये इस प्राइस रेंज में बेस्ट होगा क्या, एंड इसके हिडन फीचर्स और इसके साथ साथ इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है इस स्पीकर में, एक एक चीज बताऊंगा इस वीडियो में, एक एक डिटेल बताऊंगा। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दे, एंड अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, बीवी इंडिया की कंपनी है जो कि स्पीकर, ईयरबड्स और बहुत कुछ बनाती है। लेकिन अभी उसका नया स्पीकर आया बीवी ऑक्टेव 3, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में है, एंड बहुत लोग उसे परचेज भी कर रहे हैं। अमेजोन पे वो अभी 4 कलर में आया है, एंड बहुत ही ज्यादा बेस्ट सभी आदमी को लग रहा है। लेकिन गाइस मैं अभी आपको पहले आपको बता देता हूँ इसका फीचर्स क्यों अच्छा लग रहा है बहुत आदमी को, एंड उसके बाद मैं आपको इसका डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, तो इसका प्राइस जो है वो 1799, मतलब 1799 रुपए इसका प्राइस है, जो कि थोड़ा सा आप बोल सकते हो मीडियम लेवल में है। एंड गाइस ये स्पीकर जो है 360 HD स्टीरियो साउंड देता है, मतलब पूरा इसमें 360 ऑडियो वाला जो स्पीकर होता है वो लगा हुआ है। इन्हें कि एक साइड से स्पीकर है और बाकी साइड से इसका कवर है, ऐसा नहीं है, 360 स्पीकर ही है। एंड गाइस इसमें एक माइक भी है, जिसके कारण आप बात भी इस पे कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कॉल आता है तो स्पीकर पे सुन भी सकते हो एंड बोल भी सकते हो। इसके साथ साथ इसमें वॉइस वाला है, तो इसमें वॉइस असिस्टेंट का भी काम हो जाएगा, आप कुछ बोल के भी प्ले करवा सकते हो, जैसे एलेक्सा टाइप का होता है वैसे करवा सकते हो। एंड गाइस उसके अलावा जो है इसमें साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, HD स्टीरियो साउंड जो होता है ना वो इसमें है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा इसका साउंड क्वालिटी। एंड उसके साथ साथ बात करूं, अगर इसमें DJ बीट्स अगर आप सुनते हो तो उसका अलग ही एक लेवल हो जाता है, एंड अच्छा स्लो मोशन सॉन्ग भी आप सुनते हो तो वो भी बहुत ही बेहतर चलता है। एंड अगर इसके बाद में बात करूं अगर इसके बैटरी लेवल की, तो बैटरी जो है इसमें 8 आवर्स का प्ले बैक टाइम देता है, मतलब कि अगर मैं बताऊं ना तो 8 आवर्स जो है आपका चल जाएगा, अगर आप 70% पे रखते हो तो वॉल्यूम अगर 70% आपका रहेगा तो आपको चल जाएगा 8 आवर्स। लेकिन अगर आप फुल पे सुन रहे हो तो फिर आपका 7-6 आवर्स ऐसे चलेगा। तो ये थोड़ा सा बैटरी बैकअप मैं बोलता हूँ कम है, थोड़ा सा कम है, 10 या 12 आवर्स रहता है और सबका। सबसे बेस्ट जो इसका मुझे लगा वो इसका बिल्ड क्वालिटी लगा, बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, एंड उसके साथ साथ इसमें लुक भी बहुत ही अच्छा है, 360 पूरा स्पीकर ही है और बिल्ड क्वालिटी इसमें बहुत ज्यादा हार्ड बनाएगा, मेड इन इंडिया है तो आप समझ सकते हो बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है। एंड उसके साथ साथ अगर ये आपका गिरता भी है एक दो बार तो ज्यादा कुछ इस पर असर नहीं पड़ने वाला, इसका बिल्ड क्वालिटी इतना ज्यादा बढ़िया, आप अगर आप पटक दोगे तो टूटेगा ही, लेकिन अगर ऐसी गलती से गिरता है तो उतना ज्यादा कुछ असर इसमें नहीं होने वाला। और मैं बात करूँ वाटर प्रूफ भी है, एंड उसके साथ साथ डस्ट प्रूफ भी है, ज्यादा ये गंदा भी नहीं होगा और पानी भी अगर आप रखते हो तो ज्यादा ये कुछ इसमें दिक्कत नहीं आने वाला। एंड गाइस इसके साइड में 4 बटन्स भी है, जो कि एक इसका वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला है, एक डाउन करने वाला, जो प्लस वाला है उससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डाउन वाले से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। फिर उसके नीचे में पॉज एंड प्ले वाला, उससे पॉज प्ले आप कर सकते हो, उसके नीचे में एक और डिटेल वाला है जिसके कारण आप उसका वॉइस एकदम से बढ़ा सकते हो या एकदम से घटा सकते हो। गाइस इसके लास्ट में एक ऑक्स केबल का पोर्ट है, जिसके कारण आप इसमें जो है पीसी से भी बजा सकते हो कोई भी साउंड, एंड उसके नीचे में चार्जिंग पोर्ट है, ऑक्स केबल और चार्जिंग पोर्ट का दोनों एक ही जगह पे है, दोनों अलग अलग है, एंड उसके कारण आप जो भी इसका काम है वो कर सकते हो, मतलब चार्जिंग का भी और अलग अगर आप पीसी से बजाना चाहो तो वो भी बजा सकते हो। तो ये इसके कुछ बटन्स थे एंड पोर्ट्स थे। इसमें 16 वाट का डायनेमिक बास लगा हुआ है, जिसके कारण ये बताओ ना तो इसका जो बास का क्वालिटी आता है बहुत ही ज्यादा तगड़ा आता है, अगर कोई आप सॉन्ग सुन रहे हो थोड़ा सा बास ज्यादा उसमें अच्छा है तो ये इसमें अच्छा प्ले भी करेगा, ये नहीं कि दूसरे स्पीकर की तरह, मतलब थोड़ा सा जैसे होता है ना कोई कम दाम का स्पीकर वो बास वाला जब साउंड आता है तो उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है साउंड, तो वो सब दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाला। इसका जो साउंड क्वालिटी होगा बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा, एंड आप अगर सुनोगे तो लगेगा कि हाँ अच्छा स्पीकर का सुन रहे। तो ये सब इसके फीचर्स मैंने आपको बताया, एक एक डिटेल बताया कि क्यों अच्छा है, क्यों ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ इसके प्रॉब्लम्स, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आप खरीदने जा रहे हो तो इसमें क्यों नहीं खरीदो, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा अगर मैं इसमें गाइस प्रॉब्लम की बात करूँ, तो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम मुझे यही लगा कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ इससे अच्छा आप देखोगे बीवी का बीवी प्ले, बीवी रोम 2, इससे बहुत ही बेहतरीन इसका बैटरी बैकअप है, जो कि बीवी ऑक्टिव 3 जो आया उससे ज्यादा बेहतर था इसका पुराना वाला ही। तो बैटरी बैकअप और कम ही कर दिया, पुराना वाला में बैटरी बैकअप 10-12 घंटे का था और इसमें मात्र ये 8 घंटे का बैटरी बैकअप है, तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम पड़ जाता है। अगर आप 70% पे सुनोगे तो 8 घंटा चल रहा, आप लगभग तो पुली पे सुन,
दोगे, तो दिक्कत है थोड़ा सा, बैटरी बैकअप कम है। एंड अगर मैं बात करूँ दूसरे प्रॉब्लम की, तो इसका वजन जो है वो बहुत ही ज्यादा भारी है, मतलब बड़ा थोड़ा सा स्पीकर है। अगर मैं बात करूँ इससे जो और भी बीवी बनाती है, तो छोटा में ज्यादा बेस्ट क्वालिटी दे सकता है। बोट का भी आता है बहुत सारा स्पीकर, जो कि आप देखोगे छोटा रहेगा लेकिन साउंड क्वालिटी बेस्ट रहेगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा ज्यादा साउंड भी देगा। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इससे छोटा भी कर सकता था। एंड 360 दिया तो वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन गाइस उससे अच्छा भी कर सकता था। बाकी मुझे गाइस इसमें कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं लगा, ठीक ठाक है। प्राइस रेंज लास्ट में बोलो ना, प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज भी अगर बताओ 1700-1800 में इससे अच्छा स्पीकर आपको मिल जाएगा, ये मुझे दिक्कत लगा। अभी ठीक ठाक है, इस प्राइस रेंज में लोग खरीद रहे तो खरीद रहे, अच्छा भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इससे अच्छा अगर कोई दूसरा भी देखोगे आप बोट का, तो 1500-1200 ऐसे में अच्छा बोट का स्पीकर आपको मिल जाएगा, या फिर दूसरी कंपनी का भी मिल सकता। तो यही सब कुछ थे इसके डिटेल, बुराई और जो भी आप बोलो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक जल्दी से आप जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, @YouTube वाला भाई हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। एंड वहाँ पे अगर आप फॉलो कर लोगे तो वहाँ पे बिहाइंड द सीन और बहुत सारे मेरे सेटअप के वीडियो ये सब आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।